जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने कायराना हमला किया है और इस बार श्रीनगर के लाल चौक पर ग्रेनेड ब्लास्ट किया गया। इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सड़कों पर नाकेबंदी हो गई और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। लाल चौक काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है, यहाँ रविवार को संडे मार्केट लगता है। ऐसे में आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन जैसे ही धमाका हुआ सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया और आतंकियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इस वक्त इस पूरे इलाके को जो है घेरे में ले लिया गया है। इरफान आपको दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पर सिक्योरिटी SOG जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, CRPF है, तमाम आला अधिकारी पहुँचे हुए हैं और उन्होंने इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। दरअसल श्रीनगर के खानियार में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर के कमांडर उस्मान को मार गिराया था, जिससे आतंकियों में खलबली मच गई। कल हमने देखा कि जिस तरह से एक मैसिव एनकाउंटर हुआ खानियार इलाके में, जहां पर एक जो है फॉरेन मिलिटेंट को मार गिराया गया जो LET का कमांडर था, और ऐसा लग रहा है कि उसी की हताशा में आज ये हमला कहीं ना कहीं यहां पे देखने को मिला है। हालांकि जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकी आए दिन यहां घुसपैठ की कोशिश करते हैं, इससे निपटने के लिए सुरक्षा बल हमेशा मुस्तैद हैं।